नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इसमें चुनाव का माहौल है और चुनाव में गुड़ा भाग सब चालू हो गया है सभी राजनीतिक दलों का। अब सवाल ये उठ रहा है कि मराठा आरक्षण का जो है इसमें स्थिति क्या है। मराठा आरक्षण को लेकर काफ़ी महायुति जो सरकार इस समय चल रही है काफ़ी असमंजस स्थिति में थी कि आखिर में मराठा आरक्षण कितना डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि लोकसभा में डिस्टर्ब किया, नो डाउट सीटें कम हो गई बीजेपी की सीधा सीधा। तो मनोज जरांगे जो इसमें जो चेहरा बन चुके हैं मराठा आरक्षण का, उनका जो है सबसे ज़्यादा विरोध जो है फडणवीस जी के साथ में है, यानी वो फडणवीस के खिलाफ है लेकिन शिंदे साहब के उतने ही पक्ष में है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर में ये कौन सी राजनीति है कि फडणवीस साहब के खिलाफ है और शिंदे साहब के साथ में है, जबकि शिंदे और फडणवीस जी दोनों साथ में मंत्रिमंडल में साथ में है, और ऐसे में ये रास्ता कैसे बनेगा? एक रास्ता, दोनों रास्ता साथ में जाएगा या दोनों अलग अलग हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी में आज हम चर्चा करेंगे। ये हमारा विषय भी है। सर, क्या कहेंगे आप इस पर? मैंने इसके पहले भी बताया था कि मनोज जरांगे के बहुत निकटवर्ती ऐसे एक नेता हैं जी, जो ज्येष्ठ भी है, वैसे मराठवाड़ा में श्रेष्ठ भी है, मंत्री रह चुके हैं, खासदार रह चुके हैं, आमदार रह चुके हैं, और आज की तारीख में वो मनोज जरांगे जी के बहुत साथ है। और मेरे से निगड़ित है तो मनोज जरांगे और मेरे बीच में जो ब्रिज है जी, वो वही है। मैं डायरेक्ट मनोज जी से कभी बात नहीं करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मेरी बात वहाँ तक पहुँचती है, और मेरा भाग्य है कि वो भी दखल लेते हैं, उनको बताते हैं कि तथ्य सबको ये बताओ वगैरह वगैरह। और बीच में तो मनोज जरांगे ने मुझे इधर तुम्हारे समझने कर बुलाया भी था कि आप आ जाइए होटल में, हम मिलते हैं, साथ में चर्चा करते हैं, मगर मैं बोला अभी मेरे को वक्त भी नहीं है और मैं मिलने से अच्छा है ये अपने जो मित्र हैं उनके थ्रू जो कर रहे हैं वो अच्छा है। तो सर, अभी मेरे मित्र जो हैं उनको ऑलमोस्ट रोज बात करता हूँ मैं, आपको शायद मिलवाया, उनको मिलवाया मैंने। नाम क्या है आप बताएंगे तो समझ पाऊंगा मैं। मिलते रोज है बहुत से लोग, अभी आपसे आपके थ्रू भी मिलते हैं, बाकी लोग भी। नहीं ठीक है, अभी आज नहीं बताएंगे, मगर मैं बाद में उनको रेफरेंस दे दूंगा आपका, सब फोटो भी दिखाऊंगा और उनका, मनोज जरांगे का। और ये सर कैसे है ना, उन्होंने ये बात जो चल रही थी ये वीडियो बनाने की, वो मराठी में भी हम बना रहे थे, तो उनसे बात करके मनोज जरांगे पर कुछ बोलना है, तो मैं पहले उनसे बात करके मनोज जरांगे का मन क्या है, भूमिका क्या है, इसके बारे में उनसे विचार विमर्श करता हूँ और वो मुझे सच बताते हैं। तो उनका अभी मनोज जरांगे का ऑफर बीजेपी को है। अभी मैंने उनको पूछा कि क्या ये ऑफर मनोज जरांगे ने बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता को दिया है क्या, नहीं दिया है? अगर दिया है तो मुझे खाली ऑफ द रिकॉर्ड बताओ किसको दिया है, अगर नहीं दिया है तो क्या मैं ये जो ऑफर है उसका डिस्क्लोजर लोगों के सामने करके ये बीजेपी के ज्येष्ठ नेता जो है उनको तक पहुंचने की ये करूं का कोशिश? तो बोले कि मुझे लगता है कि मनोज जरांगे ने ये बात की है किसी से, मगर यहाँ नहीं की है, दिल्ली के एक माजी मंत्री है जी, जो उनको बार बार मराठवाड़ा कहिए, अभी हार गए वो चुनाव, लोगों को थोड़ा ध्यान में आता होगा, तो वो उनको मिलते रहते हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले उन्होंने, मनोज जरांगे ने उनको ऑफर दी है कि आप मोदी और शाह को ये बताओ कि अगर फडणवीस को महाराष्ट्र का सूत्रधार, नेता, नियंता, हाँ ये सब जो बना के रखा है उससे पद से हटाते हैं और उप मुख्यमंत्री पद से हटा के तुरंत उनको केंद्र में ले लो, तो हम आपकी बात मान के चुनाव के बाद इसके बारे में कोर्ट का निर्णय और नए सरकार का निर्णय जो होगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए रुकेंगे, और बीजेपी का जो हम बोल रहे हैं अभी 135 गिराएंगे, हमारी बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, हमारी फडणवीस से दुश्मनी है, तो फडणवीस के 135 गिराना है हमको, बीजेपी के नहीं गिराना है, तो आप उनको ले लीजिए उधर। अभी उनके ऊपर वो मंत्री की इतनी दम है क्या कि वो मोदी शाह को ये बोले कि भाई फडणवीस को हटाने के? नहीं, हो भी सकती है सर, वो सीनियर नेता है,
महाराष्ट्र भारत के बहुत बड़े डिपार्टमेंट के पोर्टफोलियो के मंत्री भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो बोल सकते हैं। और चलो नाम ही दे देते हैं दानवे सर, दानवे राव साहब दानवे, उनको बोला है मनोज ने कि फडणवीस को हटाओ, आप आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि अभी वो कुछ है नहीं। दानवे साहब खुद हार गए, इसी चक्कर में हार गए मराठा आंदोलन की वजह से, पंकज अभी उसकी वजह से हार गए, बहुत सारी सीट है, बहुत मराठवाड़ा में जितने लोग हारे सब मनोज की वजह, 22-9 होना आखिर में यही सब है ना। हाँ, नहीं सो मनोज की वजह से हुए, तो लेकिन समझ नहीं आता सर मनोज जरांगे का और फडणवीस से पर्सनल दुश्मनी क्या है सर। उन्होंने मराठा आरक्षण करके दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका, तीन कारण है। एक तो सभी मराठा नहीं बोलूंगा मगर 90% मराठा ब्राह्मण समाज का द्वेष करते हैं, बहुत द्वेष करते सर। ब्राह्मण होना कोई मतलब ये वो बात मत करो मुझे द्वेष, मगर मराठा समाज में ब्राह्मण समाज का द्वेष पहले से है जी, और शरद पवार ने उसमें अग्नि में और आहुति डाली है, ये भी सच है। मगर ये शरद पवार जब कोई नहीं थे तब 48 साल में ये हुआ था, उस समय क्या शरद पवार थे क्या, मगर ब्राह्मणों के घर जला गए, उनको जला गया, ये सब हुआ था 48 में। उस समय के जो थे सत्यशोधक वगैरह उन्होंने उसमें वो लीड लिया था, वो तो गोडसे की वजह से हुआ था ना। हाँ, अभी सर अभी तो मरा ब्राह्मण लोगों की फटी हुई है सब जगह, क्योंकि वो गोडसे था जिसने महात्मा गांधी को मारा, अब ये आपटे हैं। ब्राह्मण है, चित्पवन ब्राह्मण है, आपटे अरेस्ट भी हो गया, ब्राह्मण है अरेस्ट भी हो गया, अरेस्ट नहीं हुआ वो सब, ये खुद ये हो गया उनको सरेंडर हो गया, ये झूठ बोल रहे कि उसको हमने पकड़ा, अरे अपने घर में मिला ना वो, और उसके बारे में एक गोप्य छोट है अभी बोले तो कर सकता हूँ मैं, मगर अभी मनोज दरांगे का पहले मामला ये निपटाते हैं। तो सर ब्राह्मण करके द्वेष है, दूसरा ब्राह्मण सॉफ्ट टारगेट होता है सर, शिंदे के खिलाफ बोलेंगे तो शिंदे मर्द मराठा, मराठा लोगों की अस्मिता का प्रतीक वगैरह क्या क्या है जी, और मराठाओं के लिए वो जी जान छिड़क के काम कर रहा है, तो उसको दोष कैसे देंगे, बोलता है वो कभी कभी मगर इतना नहीं संभाल के लेता है। पवार साहब को भी संभाल के लेना पड़ता है उसको, क्योंकि एक ब्राह्मण के खिलाफ अगर उसको बोलना है तो बाकी मराठा उसके साथ रख रहे हैं, और ओबीसी के खिलाफ भी है वो, और फडणवीस ओबीसी के नेता हैं ब्राह्मण होते हुए भी, उनका पक्ष वो बोलते ना, खुद भी बोले कि जो ओबीसी की बात करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। अभी वो ओबीसी की बात करते हैं तो सीधा क्लैश है, क्योंकि मनोज जरांगे की डिमांड है ओबीसी में शामिल करो, इसके लिए फडणवीस कभी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि फिर ओबीसी का बेस जो है बीजेपी का वो 100% चला जाएगा अगर फडणवीस बोले कि ठीक है देता हूँ ओबीसी, और लेकिन कम हुआ है सर लोकसभा में, आप देखा होगा ओवर इंडिया की बात करेंगे तो ओबीसी वोट वोट जो बीजेपी के काफी कम 20% कम हुआ है सर। हाँ, वो भी वो फटका लगा है, वो भी संशय उनके मन में कि ये अभी बीजेपी हमारी है कि नहीं, वो भी है। और तीसरा मुद्दा ये है कि सर कैसे है ना कि शिंदे साहब से उनका अंडरस्टैंडिंग है, एक कोई फॉर्मूला दोनों में निश्चित हुआ है, और उस फॉर्मूले के अंतर्गत मनोज जरांगे किसी भी हालत में शिंदे साहब को फिर मुख्यमंत्री बनने में जो चीज रोड़ा होगी अड़थड़ा लाएगी ऐसा कुछ नहीं करेगी सर। वो अभी लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है सर। मेरी जानकारी ये है कि शिंदे साहब को उन्होंने बोला है कि हमारी दुश्मनी फडणवीस से और बीजेपी से है, आपके जितने भी कैंडिडेट रहेंगे शिंदे गुट के, भले किसी भी जात धर्म के हो, जात के हो, धर्म तो होता ही नहीं है, ठीक है ना सर। अगर उनको हम सपोर्ट करेंगे शिंदे साहब के, अगर इसमें 100 सीट लेते हैं तो उनके अगर 60 या 65 सीट भी चिंग आते हैं तो शिंदे साहब का कद बड़ा हो जाएगा और मुख्यमंत्री बनेंगे वो। हाँ बनेंगे ना, वो वैसे भी बनने वाली है, वो वैसे बनने वाली है, तो बनने वाले नहीं है किसी भी, ठीक है ये कान पकड़ने बजाइए, कान पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, पकड़ो लेकिन। हाँ तो मनोज जरांगे सर ये करेगा नहीं निवेदनुक में, कोई रोल लेगा नहीं। आज मैं बोल रहा हूँ बड़ा साहस लग रहा है आपको, क्योंकि कल ही मनोज जरांगे कुछ और बोले, परसों बोले, वो तो फिर 28 तैयारी कर रहे थे 288। हाँ 288 की तैयारी कर रहे हैं, 28 तारीख को उनका बड़ा मेला लगने वाला है, पर आज मैं अगर बोलूँ आपको कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, नहीं लड़ने जा रहे, सपोर्ट तो रहेगा किसी को, आह्वान तो रहेगा, नहीं नहीं वो आह्वान भी तो रहेगा सर, नहीं वो ऐसा बोलने वाला है कि जो मराठा की बात करेगा वो हमारा मत जीतेगा, जो सब करेंगे ना सर वो तो सभी करेंगे, फिर नहीं करेंगे ना सर,
क्यों महाविकास आघाड़ी नहीं करेगी? महाविकास आघाड़ी को भी दुविधा में है, आप समझ नहीं पा रहे। दो ठाकरे क्लियर कट मराठा की बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ओबीसी का उसका भी बेस ओबीसी है सर, शिवसेना का, उबाटा का। हाँ, फिर पवार साहब भी बात नहीं कर रहे ओपनली, क्योंकि उनको भी ओबीसी को दूर ये करने में मुश्किल है सर। ये 5 करोड़ है तो वो 6 करोड़ है, इसके लिए वो भी नहीं है। जाति धर्म में ही तो हमारा है। हाँ नहीं, मगर वो भी नहीं कर रहे सर। वो मनोज जरांगी ये डिक्लेयर करेंगे कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे जी, ये आज बोलना बड़े साहस की बात है, क्योंकि ये अभी तक कहाँ कहाँ लोग तो इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी उसमें ऐसा होगा कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनके मन में आशा जागी है, वो पैसा वीसा कलेक्ट करके तैयारी में बैठा है, उनमें से कुछ अपक्ष हो जाएंगे, बोलेंगे मैं तो बोलूं चुनाव लड़ लेना चाहिए, उनको समझ में आएगी मेरे साथ में कितने लोग हैं। वो तो नहीं लड़ना चाहिए सर, झाकली मुठ सवाल रखा जी। मनोज जरांगी जिस दिन चुनाव लड़ेंगे खत्म, खत्म नहीं बोलता हूँ सर, एकदम खत्म नहीं बोलता हूँ, मगर उनकी मर्यादा स्पष्ट हो जाएगी, उनके लिए वो अच्छी चीज। अब कैसा है ना, मालूम ही लोगों को, सब लोग समझते 5 करोड़ मराठा इनके ही साथ, इनके ही साथ। हाँ, और लोकसभा में इसीलिए बोलता हूँ कि चुनाव में खड़े ही हो जाओ, दिखा दो। नहीं, मैं उनकी हानिकारक बात बोल रहे हैं आप जो चैलेंज दे रहे हैं उसमें मनोज जरांगी का काटा निकालने की बात कर रहे हैं आप। मनोज जरांगी के विरोध में एक ऐसा षड्यंत्र आप दिखा रहे हैं कि खड़े रहो और मरो। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो कि हमारे साथ में कितने लोग हमारे समाज में। दिखाना है सर, मनोज जरांगी को कभी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे मन से अभी खड़ी हो जाएगी, वो कल दयानंद लेने आए थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि बड़ी मुश्किल से 2-3 आएंगे मन से के, जबकि मैं बोल रहा था 45-50 आएंगे। हम तो सीएम की बात कर रहे हैं। नहीं, ये नकल उम्मीदवार, उम्मीदवार सर 2-3 आते हैं तो क्या सीएम बनता है? नहीं, वो नहीं बोल रहा, हम तो सीएम बात कर रहे थे ना सर, जब 25-50 अगर सीट आ जाते तो। अब आप बोल रहे हैं कि 2-3 सीट भी आया। नहीं, मैंने बोल रहा हूँ, मैंने बोले उसके ऊपर मेरे मन से नेताओं से बड़े फोन भी आए कि सर आप 45-50 दे रहे हैं, ये दो रहे। मैं बोला वो उसका ओपिनियन है, वो उसका सर, उसने तो बीजेपी को 80 के आगे नहीं लिया है, क्योंकि बीजेपी के अच्छे खासे। हाँ, वो तो है, बहुत बड़े पोस्ट पे, मतलब ये है उनकी प्रतिष्ठा है वहाँ पे सर, उनको बुलाते रहते हैं, आज भी बुलाया उनको, गए ना सर। हमारा जो वीडियो निकलता है ना उसके बाद बीजेपी वाले जाग जाते हैं और उनको बुला के ये करते हैं, मेरे तक आने की तो किसी की हिम्मत नहीं है। तो सर अभी हम लोग बोलते हैं कि मनोज जरांगी चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो शिंदे को पाठिंबा रहेगा, शिंदे को ओपनली पाठिंबा नहीं देंगे और शिंदे को मदद होगी इस तरह से, नॉन शिंदे गिराएंगे और उसमें बीजेपी के बहुत सारे। शिंदे साहब ने तो 10% उनको आरक्षण दे के मदद भी किया है सर, उन्होंने काफी कुछ प्रयास किया है, किया ना किया है शिंदे साहब ने, बेनिफिट उनको मिला है। फडणवीस ने खेल कोर्ट मैनेज करके एक से ये लिया जो उसको भी मालूम था सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं, और बोलने के लिए हो गया ना, हो गया। और हाईकोर्ट में डिसीजन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है सर, हाईकोर्ट में जिसको फांसी हुए वो उधर निर्दोष छुटता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर पाए वो, जबकि मोदी और शाह पावरफुल है, वो बोल सकते हैं कि तुम कोर्ट की चिंता मत करो, ऐसा बोले है, मगर अभी नहीं, कोर्ट भी उनकी मानता नहीं है, नहीं है। तो मोदी जी की भी इच्छा नहीं होगी सर जी, मोदी जी की भी ये जातन यहाँ है जनगणना को अभी आरएसएस ने सपोर्ट किया है, मगर मोदी ने कुछ बोला उसके ऊपर? क्यों नहीं बोला? उनको मालूम है जिस दिन जात में यहाँ ये कि ये हो जाएगी तो सबसे पहले पोल खुलेगी किसकी, सब बड़ी जातियाँ उनकी तो खुलेगी, ओबीसी की भी खुलेगी, बिल्कुल। इसलिए वो नहीं चाहते जाति निहाय जनगणना, वो इलेक्शन की बात करेंगे अभी। तो सर कुल मिला के मुझे लगता है कि शिंदे साहब और मनोज जरांगी अलग नहीं है, एक ही है, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, ये सर तुम्हारा मेरे इच्छा है, वैसे मनोज जरांगी की भी इच्छा एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने ऐसी ही है। उनके लिए वो मदद करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं वो सब तरीके शिंदे साहब से बात करके ही होगी। धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए मनोज जरांगी का जो इसमें चल रहा है स्थिति और उनका जो निर्णय जो होने वाला है उसके ऊपर प्रतिक्रिया दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम इसी खबरों के लिए, अंदर की खबरें निकालने के लिए आपके पास रोज रूबरू होते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।